नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और बाइसेल लेवल 3 बनाया और उसको थ्रू में मैंने मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉल जो शेयर करता हूँ, तो उसका आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आप लोग भी उठा सकता है और ये कैसे यूटिलाइज करना है। जो लोग मेरा ग्रुप पे है और जो लोग नहीं है वो भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इसको कैसे स्किनिंग का किया जाएगा। इसको ये भी आप लोग अच्छी तरह से आप लोग को पता चल जाएगा ये कैसे काम करता है। तो ये समझने के लिए आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और जो लोग मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया इसमें बाइसेल लेवल 1 रहता है, बाइसेल लेवल 2 रहता है और बाइसेल लेवल 3 रहता है। तो मेरा मोस्ट रिकमेंडेड है बाइसेल लेवल, मोस्ट सेफेस्ट है बाइसेल लेवल, सेफेस्ट लेवल है बाइसेल लेवल 3, जो कि मैंने बाइसेल लेवल 3 में अलग से फाइल में बनाया हूँ। तो और इसमें बाइसेल लेवल कम स्किनर में बाइसेल लेवल 1 भी आप लोग यूज़ कर सकता है, ये आप अच्छी तरह से काम करता है, ये भी आप लोग यूज़ कर सकता है। एक बार मैंने इधर और भी एक स्क्रीनिंग का लगाया जो 5 था 30 का, ये मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, इधर देखे आप लोग क्रॉस ओवर ले लिया। उसके बाद एंड ऑफ द डे जो फाइल मैंने शेयर करता हूँ उसमें आप लोग अच्छी तरह से मतलब बाई और सेल लेवल देख सकता है। तो इसके अलावा इधर और भी बहुत सारा पैरामीटर है, जो इधर जो कौन सा लेवल पे है वो भी देख के आप लोग स्क्रीन कर सकता है कौन सा लेवल पे कौन सा है, टारगेट 1 के टारगेट 2 के बीच में है, बाई एंट्री लेवल और टारगेट 1 के बीच में है, टारगेट 1 के टारगेट 2 के बीच में है, ये सब देख के भी आप लोग स्क्रीन कर ले सकता है। वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, ई में क्रॉस ओवर, ये सब देख के आप लोग मेरा स्क्रीनिंग वाला वीडियो देख लीजिए प्लीज़। तो इधर माले प्रॉफिट कितना हुआ वो दिखाने के लिए इतना बोलने के लिए ये देर हो जाएगा। तो और बाइसेल लेवल 3 में बाइसेल लेवल 3 अपटेंड में बाइसेल लेवल रहता है और डाउन टेंड में भी बाइसेल लेवल रहता है। इधर भी कुछ स्किनर लगा हुआ है प्रीवियस क्लोज का बेसिस पे मैंने स्क्रीनिंग करके दिखाया, आप लोग मेरा स्क्रीनिंग का वीडियो देख लीजिए। और इधर 534 ई में क्रॉस ओवर रखा, उसके बाद जो एक बार ट्रेंड पकड़ लिया उसके बाद आप लोग लेवल्स देखिए कौन सा अप ट्रेंड में जब होगा तो अप ट्रेंड का बाइसेल लेवल देखिए और डाउन ट्रेंड का जब डाउन ट्रेंड का बाइसेल लेवल देखिए। तो इसमें देखिए आज जो मैंने कल का जो फाइल शेयर किया था मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे वो मैंने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद ये जो कल रात में जो फाइल मैंने शेयर किया था वो मैंने आज डाउनलोड किया। उसके बाद ये भी आप लोग देख सकता है मेरा क्या 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 कॉल्स था, क्या क्या रिकमेंडेशन था, ये भी आप लोग देख सकते हैं इधर से वो कैसे आज परफॉर्म किया, वो भी वो मैंने फाइल से भी दिखाता हूँ और इसमें मैंने कुछ दिखा दिया वो भी आप लोग देख सकता है इधर से आप लोग पढ़ सकता है, वीडियो पॉज करके भी आप लोग पढ़ सकता है। ये मैं दिखाता हूँ, ये टाइम नहीं तो चला जाएगा, मेरा वीडियो का टाइम ख़त्म हो जाएगा और ठीक से नहीं दिखा पाऊँगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, देखिए इधर मेरा बजाज ऑटो में जो मेरा बजाज ऑटो मैंने बोला जो मेरा रिकमेंडेशन था मैंने बाइसेल लेवल का फाइल दे देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भी लोगों को भी फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है और इसका सैम्पल फाइल का लिंक भी इस यूट्यूब का वीडियो का एंड कर दिया जाएगा। और मेरा यूट्यूब में आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इधर आप लोग निफ्टी और एनिफ्टी का लेवल का रेगुलर देता हूँ और बाइसेल लेवल का भी रेगुलर देता हूँ और आप लोग को बहुत सारे स्ट्रैटेजीज मिल जाएगा जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के साथ आप लोग को एक्यूरेसी के साथ आप लोग को प्रॉफिट दे सकता है। और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। देखिए बजाज ऑटो का आप लोग देख लिया होगा व्हाट्सएप के जो बजाज ऑटो के मेरा रिकमेंडेशन में था बाइक का एंट्री में। तो इधर देखिए इधर जो बाइक का मैंने करेंट हाई लो क्लोज उठा है उसके बाद लेवल्स में चार प्रॉफिट मेड दिया और ये कल का फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया जो मैंने फाइल शेयर किया था। तो देखिए बजाज ऑटो का जो था लेवल इधर सेल अपट्रेंड में दिया था, वो सेल अपट्रेंड में इस फाइल में बाइसेल लेवल 3 फाइल में जिसमें बाइसेल लेवल 3 है, ये आप लोग देख सकते हैं इधर बाइसेल लेवल 3 का फाइल है। ये एक्चुअली फाइल नंबर सेव करने के लिए चेंज करना पड़ता है लेकिन ये एक्चुअली बाइसेल लेवल का 3 है मेरा।
तो इधर देखिए अपट्रेंड का, अपट्रेंड में दिया था मैंने कॉल, तो अपट्रेंड का बाय लेवल में आया है। अपट्रेंड का बाय लेवल ये देखिए इधर 94 मेरा बाय लेवल था और ये 3194 बाय लेवल था, सॉरी सेल लेवल, अपट्रेंड का सेल लेवल, और इधर 3182 ये आज लो दिया है। तो इधर मैंने आप लोग फार्मूला देख सकता है, ये जो करेंट लो का कॉलम, ये जो हाई का कॉलम, उसके साथ मेरा सेल का सेल, उसके बाद मेरा जो बाई का एंट्री लेवल और सेल का एंट्री लेवल आप लोग को दिखा देता हूँ। ये बजाज ऑटो का फार्मूला देखे देखिए आप लोग देख सकते हैं, इधर देखिए आप लोग हाई हाई लो का कॉलम देख लिया, उसके बाद मेरा जो ये का कॉलम देखिए और इसका रो नंबर देखिए M16, ठीक है। तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इधर फार्मूला जो है ठीक रहा है, वो प्रॉफिट दिखा रहा है, एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है। तो इधर बजाज ऑटो एक देख लिया आप लोग, इधर इसके बाद ये फाइल से भी आप लोग इधर से भी बाय सेल लेवल का, बजाज ऑटो का जो बाय सेल लेवल है, बजाज ऑटो इधर भी बाय सेल लेवल वन भी बहुत ही बढ़िया तरीका से काम करता है। इधर भी आप लोग बाय सेल लेवल दोनों साइड में आप लोग एंट्री लेवल ले सकता है। ये देखिए इधर 3210 में आज ओपन हुआ था टारगेट वन के ऊपर, तो इधर 3216 हाई हुआ था, उसके बाद आप लोग देख ले सकते हैं। आप लोग इधर से देखिए इधर करेंट प्राइस करेंट हाई लो क्लोज आप देख सकते हैं, इधर से सॉरी 3228 हाई हुआ था और 3168 लो हुआ है। तो इधर देखिए आप लोग बाय साइड में भी आप लोग को प्रॉफिट हुआ था और सेल साइड में भी प्रॉफिट हुआ है। जो इधर देखिए टारगेट वन से टारगेट टू के बीच में ओपन हुआ था 3268 ये हाई, सॉरी कितना दिखा है, जितना भी हो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग की भी कोड देख सकता है 3216 इसका हाई हुआ था, 3216 3210 का ओपन होने के बाद ये 3216 हाई हुआ था, उसके बाद एक्चुअली ये लो में गया है। तो इसका लो एंट्री लेवल 3118 था और 3168 ये लो हुआ है, 3168 ये आज का लो हुआ है। तो इधर भी मैंने स्क्रीनिंग का लेके लिए मैंने 530 में क्रॉस ओवर और बहुत सारा इंडिकेटर इधर 518-13 और 210-20 बहुत सारा इंडिकेटर आप लोग लगा, उसके बाद आप लोग इधर से जो अप ट्रेंड में है वो आप लोग देख लीजिए और जो डाउन ट्रेंड है वो आप लोग देख लीजिए। इधर से आप लोग स्क्रीनिंग भी कर ले सकते हैं कौन सा लेवल में कौन सा है, उसके बाद आप लोग उस लेवल के ऊपर देखिए कौन सा लेवल पे कौन सा है, वो भी आप लोग को इधर से क्लियरली आप लोग स्क्रीनिंग कर ले सकते हैं। उसके बाद उसका बाय सेल लेवल देखिए आप लोग को आसानी से प्रॉफिट होगा और एंड ऑफ द डे ज़्यादातर आप लोग एंड ऑफ द डे जो मैं फाइल शेयर करता हूँ और उसके भी ऊपर काम करने के वो अभी और भी अच्छे तरीके से काम कर सकता है, काम करता है। तो एक आप लोग को दिखा देखिए भारत फर्ज देख लीजिए, इधर इधर मेरा भारत फर्ज का कॉल था, वो भी आप लोग व्हाट्सएप में आप लोग चेक कर सकता है जाके, और भी मैंने फिर से जाके दिखाऊंगा तो देर हो जाएगा। देखिए भारत फॉर्ज इधर कोई लेवल आया नहीं है क्योंकि ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड का इधर देखना नहीं है। इधर देखिए भारत फॉर्ज ये अप ट्रेंड में था, इधर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों साइड में ये प्रॉफिट दिखा रहा है, देखता है 471.85 भारत फॉर्ज, ये इधर 470 पॉइंट, ये इधर इसका फर्स्ट ये जब टारगेट टू के टारगेट थ्री के बीच में ओपन हुआ था, इसके बाद आप लोग इधर से एंट्री लेते 470 से ओपन हुआ था, तो 471.85 इधर अप ट्रेंड में आप लोग एंट्री ले सकते थे और डाउन ट्रेंड में इसका 463 दिखा रहा है और इधर लो कितना हुआ 467.46 इसका लो दिखता है, और भी 463 मतलब ये इधर ऐसा खास कुछ नहीं हुआ है। इधर देखिए इसके बाद बायोकॉन का दिया था 284, इधर बायोकॉन इधर देखिए 284 हाई दिखा रहा है, 284.90 इधर सेल का बाई का एंट्री लेवल था, बायोकॉन का बाई का एंट्री लेवल था देखिए 284 मतलब 2 EDS से बाई का एंट्री लेवल था 275, तो इसके ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते थे, तो इधर आप लोग को अच्छी तरह से प्रॉफिट हो सकता था। तो इधर ओपन भी देखना चाहिए एक्चुअली दिखाता हूँ, एंट्री ले सकते टारगेट वन के ऊपर एंट्री ले सकते थे, उसके बाद 284 आया है,
तो ऐसे करके आप लोग वक्त भी ये फाइल